जय श्री राम दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका रंजीत तंजोराट में। और हम पहले मैं अपने 55 पेंटिंग के स्केच का वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। और 55 पेंटिंग में ये था कि सारे वानर समुद्र किनारे आ गए थे। जो वन देवी है, उन्होंने उनको एक ही झटके में समुद्र के किनारे पहुँचा दिया था। और सभी हताश निराश बैठे बैठे हुए थे। तभी संपाति मिलते हैं उनको, और संपाति जी से परिचय होता है। वो बताता है कि जटायु का मैं भाई हूँ, और उसी नाते वो सीता जी के बारे में बताते हैं कि सीता जी लंका में है, और लंका में जाने के लिए 400 योजन समुद्र पार करना पड़ेगा। तो सभी वानर हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि ये कैसे होगा, 400 योजन समुद्र कैसे पार होगा। तभी जामवंत जी हनुमान जी को उनका बल याद दिला देते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो बचपन में बहुत बलशाली थे, पर साथ साथ शरारती भी थे। उनकी शक्ति का दुरुपयोग होने लग गया था। वो जब भी ऋषि मुनि कोई भी अगर तप करते, तपस्या करते, हवन करते, पूजा पाठ करते, सिद्धि के लिए प्रार्थना करते, तो उसमें वो एक बाल सुलभ चंचलता के कारण हमेशा विघ्न डालते। उनके लिए तो बस्ती मजाक था, पर ऋषि मुनियों के लिए काफ़ी मतलब साधना में अवरोध पैदा हो रहा था। तभी ऋषियों ने श्राप दिया था कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे, और जब याद दिलाएगा कोई, जब जरूरत होगी, तभी आप तुमको अपनी शक्ति का ध्यान होगा। तो जामवंत जी को जब ये याद आता है कि भाई हनुमान जी बहुत बलशाली है, और इनको इनकी शक्ति को याद दिलाना चाहिए। तो जामवंत जी उनको बताते हैं कि तुम्हारा जन्म श्री रामचंद्र जी के काज के लिए हुआ है। रामचंद्र जी के सारथी बनना है आपको, हर संकट को हरना है। संकट मोचन नाम तुम्हारा है, इसीलिए आपने जन्म लिया है, राम काज करने के लिए जन्म लिया है। तब जैसे जैसे शक्ति का भान होता जाता है हनुमान जी को, तो उनका असली वास्तविक रूप में हनुमान जी आ जाते हैं और विराट रूप दिखाते हैं। वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वानर बिल्कुल छोटे छोटे नजर आने लगते हैं, और एक हुंकार भर के और फिर वो शुरुआत करते हैं समुद्र लांघने की। तो ये मैंने स्केच किया है हनुमान जी जामवंत जी जो बल याद दिलाते हैं, उसके बाद जो विराट रूप होता है हनुमान जी का, ये मैंने स्केच में दिखाया है। तो ये हनुमान जी का विराट रूप है, और यहीं से वो समुद्र लांघने की तैयारी करते हैं। और सारे वानर बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, सुग्रीव, अंगद या जितने भी वानर हैं सारे। तो दोस्तों, ये 56वां वीडियो है, 56वां वीडियो है जो मेरा 56वां स्केच तैयार हो गया है। और कुल मेरे को 108 स्केच बनाने हैं, तो उसमें मैं लगा हुआ हूँ। और जैसे जैसे वीडियो बनते जा रहे हैं, मैं अपलोड भी करता जा रहा हूँ। फिर साथ ही पेंटिंग का काम स्टार्ट होगा, और पेंटिंग का भी, हर पेंटिंग का वीडियो बनेगा। जब पेंटिंग का वीडियो बनेगा तो आपको, आप लोगों को और भी क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये क्या सब्जेक्ट है, और किस तरह से इसमें मैंने अपने भाव जो थे वो स्केच करके और पेंटिंग बनी है। तो मेरा ये संकल्प 108 पेंटिंग का लगभग स्केच के रूप में तो आधा हो चुका है। अब स्केच होते से पेंटिंग स्टार्ट करनी है। और दोस्तों, अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको, और मेरी पेंटिंग के भी वीडियो मैंने काफ़ी अपलोड कर रखे हैं, वो भी अच्छे लग रहे हो, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर मुझसे कोई भी किसी भी तरह से पेंटिंग बनवाना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9313322431। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगली पेंटिंग के स्केच के वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म, जय हिंद।